यूक्रेन में जंग के बीच पुतिन की करीबी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की लग्जरी यॉट दिनभर जर्मनी में जब्त। 5,000 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है यॉट की कीमत। मध्य प्रदेश के खरगोन में फैली पथराव की अफवाह, भारी पुलिस बल तैनात। तो वहीं हिंसा में घायल शिवम की हालत अभी भी नाजुक। सीएम शिवराज ने हिंसा के समय जले घरों को बनवाने का दिया भरोसा, कहा जिन्होंने घर जलाए हैं उन्हीं से वसूली जाएगी रकम। अभी तो हम करेंगे लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल के आतंकवादियों से मुठभेड़, अब तक 4 आतंकवादियों के ढेर होने की खबर, सेना का ऑपरेशन जारी। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भुज को देंगे सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार का स्कूलों को निर्देश, एक भी केस आने पर स्कूल बंद करने और कोरोना नियमों के सख्ती से पालन के लिए जारी की गाइडलाइन। पाकिस्तान की करौली में कुछ ढील के साथ 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। तो वहीं हिंसा फैलाने के आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह कर रही है छापेमारी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का प्रदर्शन जारी, कोलंबो में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर वहां की सरकार के खिलाफ जताया विरोध। 7 फेरों के बाद एक दूसरे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, पार्टी में केक काटकर दोनों ने मनाया जश्न, रणबीर के परिवार ने भी जताई खुशी।